चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आपको आज बोले थे कि कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, तो मैं ठीक है सर, नंबर मिल गया, कुछ एक पॉइंट्स कवर कर पाऊं इसमें। जिस समण संघ बनाने का जो आइडिया है सुधीर सर का है, और दिल्ली से चलकर पूरे भारतवर्ष से भी बाहर विदेश तक चला गया है, इस कॉन्सेप्ट को जिसने सुना, जिसने पार्टिसिपेट किया, या वीडियो के माध्यम से जहां जहां तक गया, ये संदेश हर किसी को पसंद आया, ये संघ का समण संघ बनाने का उद्देश्य हर किसी को पसंद आया और हर किसी ने तारीफ की, न केवल तारीफ की बल्कि से जुड़ता गया। और जरूरत भी आज के समय की कि संघ से जोड़ा जाए, एक जो हम बिखरे हुए हैं तमाम संगठनों में या व्यक्तिगत रूप से बिखरे हुए हैं, इसको एकजुट करने का समय है। और यदि एकजुट हम आज के समय में नहीं हुए तो हो सकता आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका भुगतान करना पड़े। आप बुद्ध काल से ही जो सामाजिक क्रांति राजनीतिक क्रांति हम देखते आ रहे हैं, बुद्ध भी कहते हैं विनयो आयु संघस्य, अच्छा संघ की जो आयु है वो विनय है, विनय मतलब संविधान। उस समय जो आज के समय में संविधान है विधान है, उस समय संविधान को ही विनय कहा जाता था, विनय पिटक आपने नाम सुना होगा। और विनय पिटक का जो स्थान बुद्ध ने रखा था वो शुद्ध पिटक और धर्म अभिधर्म पिटक से भी ऊपर रखा है, मतलब पहले विनय पिटक है, फिर शुद्ध पिटक है, फिर अभिधर्म पिटक। तो एक विनय के आधार पर एक विधान में बंधकर हम एक संघ का निर्माण करना, और संघ का निर्माण करके हम अपने वैधानिक रूप से जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो भी विधि द्वारा स्थापित लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य और संघीय स्तर पर जो भी हमारे गोल हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, व्यक्तिगत तौर पर या संघ के स्तर पर उनको प्राप्त करना है। हमारे देश में हजारों की संख्या में संगठन फैले हुए हैं, कई संगठन सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कई आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक शैक्षणिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े होने के कारण अपने जो मुकाम है या बाबा साहब का जो गोल था या संवैधानिक जो विधान से निर्धारित हमारा लक्ष्य है वह प्राप्त करने में असफल है। उसका एक मुख्य कारण है उनको नियंत्रण करने के लिए कोई एक सांस्कृतिक कोई भी संगठन नहीं है। एक्चुअली कोई भी क्रांति सफल बनाने के लिए जरूरी है सांस्कृतिक रूप से पहले हम एकजुटता दिखाएं, सांस्कृतिक रूप से हम जुड़े और जोड़े। बिना सांस्कृतिक रूप से जुड़े हम कोई भी संगठन किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। तो जुड़ना पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है। आप जुड़ेंगे तो आप व्यक्तिगत स्तर पर भी आप उच्च स्थान हासिल करेंगे, आप जो चाहते हैं वहां पहुंच सकेंगे, और संघ के सदस्यों के लिए भी आप नया रास्ता स्थापित कर सकेंगे, एक नया मुकाम उनके लिए दे सकेंगे। बाबा साहब ने भी जो जितने भी कार्य किए अपने जीवन काल में, सार्वजनिक जीवन काल में जितने भी कार्य किए हैं वो संघ के ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण के द्वारा ही किए, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो आपस में जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं वो विनय से जुड़े हुए थे, वो संघ से जुड़े हुए थे, तभी संभव हो पाया। एक्चुअली ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी जरूरी है, अदरवाइज संगठन में एक जो नायकवाद का जो कॉन्सेप्ट उभर कर आया है वो बड़ा खतरनाक है। बाबा साहब भी इस कॉन्सेप्ट के विरोध में थे, और जो प्रचलन नायकवाद की तरफ बढ़ रहा था उसके विरोध में कई बार उन्होंने कहा भी है। वर्तमान समय में नायकवाद बहुत ज्यादा हावी, मतलब बाबा साहब के कार्यकाल से अभी तक की तुलना की जाए तो यह नायकवाद कई गुना बढ़ गया है, और हरेक संगठन अपने नेता को चमकाना चाहता है, हरेक नेता चाहता है मैं आगे आऊं। एक्चुअली वो तभी आगे आ पाएंगे तब समाज संघ से जुड़ा होगा, बिना संघ से जुड़े हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तात्कालिक सफलता तो प्राप्त कर सकता है लेकिन दीर्घकालिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, वह फेल हो जाएगा, वह ढेर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है कि विनय से जुड़कर संघ का निर्माण किया जाए और संघ निर्धारित करे कि लक्ष्य किस तरफ हो, हमारा लक्ष्य का निर्धारण कैसा हो, लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो हमारा रास्ता है वो किस प्रकार हो, मतलब उसका विजन तैयार करेगा संघ, तभी सफलता प्राप्त की सकती है। अदरवाइज हम ढेरों संगठनों में बिखरे रहेंगे या अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर बिखरे रहेंगे और हम जो एक निर्धारण है हमारा, जो लक्ष्य का उद्देश्य है हमारा, उस उद्देश्य तक शायद हम कभी ना पहुंच पाए और जो हमारा विरोधी पक्ष है वो स्वाभाविक रूप से लाभान्वित होता रहेगा और हम देखते रहेंगे, बिखरे रहेंगे और एक जो गरीबी वाला क्षेत्र है कि हम गरीबी, अधिकांश हमारा जो जनमानस है वो अभी भी गरीबी की मार से पीड़ित है, ना वह प्रॉपर शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, ना आर्थिक रूप से संपन्न है, ना सामाजिक रूप से संपन्न है, ये उसका कारण एक है कि वो संगठित नहीं है, उसमें संघ की कमी है। ग्रामों में जाएंगे तो सैकड़ों जातियों में फैला हुआ है और ऐसी बहुजन जातियां, उनमें भी कई जातियां, कई विभेद है, वो आपस में भी एक उपजाति में कई उपजातियां हैं, वो उपजाति वाले भी एक जाति में सम्मिलित नहीं हो पाते। इन सबको सम्मिलित करने का एक ही तरीका है कि संघ का निर्माण किया जाए और संघ के मैं का एक्टिव सदस्य बना जाए। भगवान बुद्ध ने जो भी क्रांति की वो संघ के निर्माण के द्वारा ही संभव हो पाया और संघ के निर्माण के लिए, संघ के संचालन के लिए, मतलब एक विधिवत संचालन के लिए भगवान बुद्ध ने उपोषद की विधान रखा था, उपोषद और पातिमोक्ष। उपोषद एक्चुअली आज भी हमारी पुराने जो जितनी भी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं उनके आचरण में हमें झलकता है। उपोषद का मतलब ही मेन मकसद था एकत्रित होना, और जो हम संघ का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं यहाँ पर सुधीर राज साहब, उसका भी मूल मकसद है एकत्रित होना, संगठित होना, जुड़ना और जोड़ना। तो हम कोई नया कॉन्सेप्ट लेके नहीं आए हैं यहाँ पर, एक्चुअली कॉन्सेप्ट पुराना है, वो कॉन्सेप्ट आचरण से हमारे आचरण से निकल गया था या हमने उसको छोड़ दिया था, पुनः उसी संघ को जीवित करना एक मुख्य उद्देश्य है। और इस संघ को जीवित करके जिस तरह से भगवान बुद्ध ने अपना धम्म न केवल देश बल्कि देश की बाहरी सीमाओं से परे ले गए, वो केवल संघ के दम पर ही संभव हो सका। तो आप संघ की ताकत को भली भांति जानते हैं, आप भारतीय नागरिक होने के नाते, बहुजन होने के कारण जो संघ की शक्ति है उसको भली भांति जानते हैं। एक्चुअली जो आज का जनमानस है हमारा, वो संघ की शक्ति को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया जितना वो उसका विरोधी या आगंतुक लोग समझ गए। उन्होंने अपने संघ के निर्माण में महती भूमिका निभाई है, उन्होंने अपने संगठन खड़े किए, संघ खड़े किए हैं और उसके आधार पर वो भाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से भी बहुत परिपक्व हुए। कॉन्सेप्ट आपके पुरखों का था लेकिन आपने छोड़ दिया, आपको भाई कॉन्सेप्ट जो आपके पुरखे देखे गए थे पुनः उस कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा, भाई आपको उपोषक में उतरना पड़ेगा, पाती मुख में भी उतरना पड़ेगा और तब आप पाएंगे कि जो नैतिक तबादी हमारा धार्मिक जो समाज उभर कर आएगा, जो बहुजन समाज उभर कर आएगा, उसके लिए कोई भी लक्ष्य पाना बड़ा सरल रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा, क्योंकि जब संघ में एक जो एकता होती है उस एकता के बल पर आप कोई भी विशाल से विशाल लक्ष्य बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। यदि आप बिखरे रहेंगे आप कभी कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ भ्रम होगा कि मैं एक सही दिशा में जा रहा हूं और एक जो लक्ष्य प्राप्ति की जो दिशा है हमारी सही है। लेकिन जब दीर्घकालिक तौर पर आप सोचेंगे, पूरा विचार करेंगे, तो आप पाएंगे आप सिर्फ दिग्भ्रमित थे, आपको कोई दिशा जो होना चाहिए वो आप डिसाइड ही नहीं कर पाए या दिशा आप दे ही नहीं पाए। भले एक लंबे समय काल से आप फला संगठन चला रहे हैं, कोई भी संगठन चला रहे हैं, लेकिन आप दिशाहीन होने के कारण कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाए। और इसके कारण भी है, संगठनों का निर्माण होता है, संगठन रहते हैं, उस दिन अच्छा काम करते हैं, फिर बिखर जाते हैं, या उनके जो उद्देश्य होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटे उद्देश्य के कारण
वो दीर्घकालिक निर्णय नहीं ले पाते या दीर्घकालिक कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पाते। चलिए, आपको सफल होना है तो स्वाभाविक रूप से आपको दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों का पृथक पृथक तरीके से पृथक पृथक विधि अनुसार या विनय से बंधे हुए विधान से बंधे हुए लक्ष्यों का निर्धारण करना होगा। भाई आप तभी कर सकते हैं जब आप एक संघ के विधान में बने हो, विनय पिटक के विधान में बने हो, तभी यह संभव है। क्योंकि जो मानवीय प्रवृत्ति है वो स्वच्छंदतारी है, लापरवाही वाली, उसको एकजुट करने के लिए जरूरी है कि उसे विनय में बांधा जाए, उसे विधान से समेटा जाए, तब ही आप संभव है कि उसे एक सही दिशा दे सके। यदि आपने उसे विनय और विधान से नहीं बांधा तो भाई एक बिना लगाम का व्यक्ति होगा जो बाद में कभी बगावत करके या बाद में भाग भी जाएगा संघ। यदि एक विधान होगा, एक विनय होगा, तो हमें किस तरह से हमारे ऐसे हमारे संघ का विधान है, विनय है, तो भाई उसका एक नियम है, किस प्रकार प्रवेश होगा, किस प्रकार निष्कासन होगा या दोनों पुनः प्रवेश किस प्रकार होगा, तो उसमें जो जो व्यक्ति जाना चाहे या जो व्यक्ति संघ के विरोध में जाकर कार्य करना चाहेगा करता है तो उसको दंड भी है, उसको निष्कासन भी होगा। तो संघ के विरोध में अपना संघ विरोधी क्रियाकलाप नहीं कर पाएगा, एक्चुअली ये विनय से बंधा हुआ रहेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप संघ से जुड़े बिना संघ से जुड़े वर्तमान समय अनुसार आप कोई भी लक्ष्य जो हमारे महापुरुष संत महापुरुष या बुद्ध काल से जो हड़प्पा काल से जो परंपरा चली आ रही थी वह लक्ष्य जो निर्धारित है उन लक्ष्यों को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना ही जोर लगा लें, कितने ही दिशा में भाग लें, किसी कितने ही प्रकार के संगठन बना लें, यदि आप संगठित नहीं है, एक संघ के अंतर्गत नहीं है, एक संघ की छाता के नीचे नहीं है, तो आप स्वाभाविक रूप से असफल ही रहेंगे। कितनी ही चिल्लपों कर लें, कितने ही भाषण दे लें, कितने ही यात्राएं कर लें, कितनी ही किताबें पढ़ लें, लेकिन आप जो मुकाम हमें जो हमारे संत महापुरुष दिखा गए हैं उस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा कहना इतना ही है, जहां भी आप रहते हैं, जितने भी लोगों के संपर्क में आप आते हैं, सबसे आप कहिए संघ से जुड़े, संघ से उन्हें मीटिंग अटेंड करने के लिए कहे, और संघ की जो विचारधारा है, जो समर संघ का जो उद्देश्य है, जो भगवान बुद्ध का उद्देश्य है, जो बाबा साहब का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की को हम भली भांति पूर्ण कर सकेंगे, उस उद्देश्य के अनुसार हम चल सकेंगे। इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद। आप यहाँ पर जुड़े तो काफी अच्छी संख्या में आज जुड़े हुए हैं, सभी को साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु।